गुड मॉर्निंग बच्चों, केयर वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल में आपका स्वागत करता है। बच्चों पिछले कक्षा में हम साथी हाथ बढ़ाना इस पद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बच्चों तो पद में पहला पद, ठीक है, पहला प्यारा, तो उस पहला पद का भावार्थ और पद में आए हुए नए शब्द, यह सब हम चर्चा कर रहे थे। बच्चों साथ साथ है भावार्थ भी आप लिख लिए थे। पहला पद का भावार्थ लिखने के बाद हम तो उस भावार्थ पर चर्चा कर रहे थे, चर्चा किए थे। पहला पद में पहला पद समाप्त हुआ था, तो उसमें एक दूसरा पद बाकी है। बच्चों वो दूसरा पद का भावार्थ आप लिख लिए हैं, तो सिर्फ भावार्थ का चर्चा करना है। तो आज इस कक्षा में हम दूसरा पद में कवि क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम आज इस कक्षा में चर्चा करेंगे। देख लिए बच्चों, तो पहला पद में उन्होंने कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर भोज उठाना। भोज मतलब वे कोई भी काम हो अकेले हम कोशिश किए तो क्या होता है, वह नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहते हैं कि अब क्या करना है, मिलकर। देखो इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। प्रेरित मतलब उसे इन्होंने प्रोत्साह किया है। एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है। तो एक अकेला, तो कोई भी काम हो बच्चों, अब अकेला करने का और कुछ लोग मिलकर करने का क्या होता है, बहुत अंतर रहता है। इसलिए उन्होंने इस भारत देश के निर्माण में हम अकेला काम किए तो क्या होता है, थक जाता है, इसलिए हम सब मिलकर क्या करना है, उसके लिए परिश्रम करना है। इस तरह सभी लोग भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हर एक का कर्तव्य है, हमें उसमें क्या होना चाहिए, हिस्सेदार होना चाहिए। निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है। भारतीयों का हौसला अपजाय करने के लिए कवि ने बताया है कि जब भी लोगों ने एकता के साथ काम किया, तब तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है, तथा पर्वत ने भी अनेक उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी है। देखो जिस तरह हम मिलकर काम किए तो उसमें हम जिस तरह सफलता पाते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इधर कुछ उदाहरण दिए हैं। क्या उदाहरण दिए हैं, तो मिलकर हम काम करने के लिए तैयार हुए तो ठीक है, तो उस समय हमारे परिश्रम देखकर समुद्र ने भी हमें क्या किया है, रास्ता छोड़ दिया है। और उन्होंने कहते हैं कि पर्वत भी सिर झुकाया, पर्वत भी मतलब पर्वत भी क्या किया है, सिर झुकाकर ठीक है, परिश्रम देखकर नमस्कार करते हुए पर्वत भी क्या किया है, हमें उधर रहने के लिए स्थल दिया गया है, जगह दी है। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बना है, जिससे हम मुश्किल काम कर सकते हैं कि हमने पहले भी ब्रिटिशों के लिए काम किया है और आज हमें खुद आजाद भारत का निर्माण करना है। तो हमारे यह परिश्रम देखकर या हमारे यह काम देखकर कवि ने कहते हैं कि हमारे बाहें और सीना चस्ट ठीक है फौलाद से बना है। फौलाद इसका मतलब तो लोहा, उक्कु अंतरे ड्रिल रे, तो उससे बना है, इसलिए जिससे हम मुश्किल काम करने की क्षमता रखते हैं, तो वे क्या है, बलिष्ठ है। हमारे बाहें और सीना फौलाद से बना है, इसलिए वो तो बहुत बलिष्ठ है, तो उससे हम क्या करते हैं, कोई भी मुश्किल काम हो उससे हम कर सकते हैं। तो हमारे बाहें और सीना तो क्या है, फौलाद से बना है, तो उसकी मदद हम सिर्फ इससे पहले तो उसका मदद हम सिर्फ ब्रिटिशों को मदद करने के लिए किए हैं, ब्रिटिशों की सहायता ठीक है, ब्रिटिशों की सहायता करने के लिए हम क्या किए हैं, हमारे बाहें और सीना का उपयोग किए हैं। तो आज ठीक है, आज हम क्या करना है, खुद आजाद भारत का निर्माण करना है, तो उसका उपयोग हम अब इस बार आजाद भारत निर्माण के लिए ही करना है।
इस तरह बच्चों पहला पद में उन्होंने क्या करते हैं, हम साथ एक से एक मिलकर काम करने से क्या उपयोग होता है, ठीक है, तो उसका महत्व उन्होंने क्या करते हैं पहला पद में समझाते हैं। तो दूसरी पद में देखो बच्चों क्या कहना चाहते हैं उन्होंने, पद्य देखो, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो खतरा बन जाता है दर्पण दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना। तो इस तरह दूसरा पद है, ठीक है, तो दूसरा पद में उन्होंने क्या कहते हैं देखो बच्चों, तो इन पंक्तियों में कवि सुख दुख को लोगों का साथी बनाया है। चूंकि इनका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है, हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, वही दुख में ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए, और अपनी मंजिल को और सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो बच्चों दूसरा पद में उन्होंने क्या करते हैं, क्या कहना चाहता है कवि जी, कहते हैं कि जीवन में तो क्या होता है, सुख दुख का यह क्रम हमेशा चलता रहता है। हम ज्यादा दुख का समय आए तो हम डरना नहीं, तो उसी तरह सुख का समय आया तो हम ज्यादा खुशी नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों को हम क्या करना है, समान रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। देखो इधर, दुख में घबराना नहीं मतलब डरना नहीं, और वही सुख में ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपनी मंजिलों को और सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। तो जीवन में क्या होता है, कष्ट और सुख ये दोनों हमेशा चलता रहता है, ये तो क्या है, जीवन चक्र है, वह चक्र जिस तरह फिरता रहता है उसी तरह जीवन में क्या होते हैं, कष्ट दुख सुख ये क्या होते रहते हैं, आते रहते हैं। हम क्या नहीं करना चाहिए, हम कष्ट आते समय घबराना नहीं मतलब डरना नहीं चाहिए, और उसी तरह ज्यादा सुख हो तो हम उत्तेजित बहुत खुश नहीं होना चाहिए। हम क्या करना है, वो जीवन में कष्ट सुख आते रहते हैं, सिर्फ हमारे मन में यह भावना होना चाहिए कि जीवन में हमारी मंजिल क्या है, हमारे लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य क्या है, वह हम ध्यान में रख कर क्या करना है, हम अपनी ओर मंजिल की ओर क्या करना है, बढ़ना है। तो इस तरह उसमें कवि सुख दुख को हम समान रूप से स्वीकार करना चाहिए उसके बारे में, या सुख दुख का क्या महत्व रहता है हा? उसके बारे में समझाते हैं। आइए बच्चे देखेंगे उसमें और उन्होंने आगे कहना चाहते हैं, कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि एकता यूनिटी। तो इस पद में कवि और क्या कहते हैं, उन्होंने एकता को स्पष्ट, एकता की ताकत को, ताकत मतलब उसकी शक्ति, यूनिटी का पावर, तो उसकी शक्ति क्या होती है उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है। दरिया मतलब नदी, पानी की एक एक बूंद मिलकर क्या हुआ है, उधर दरिया बना है मतलब नदी का निर्माण हुआ है। आपको मैं उदाहरण के लिए परसों दिन कहा था बच्चों, अब एक चीज एक वस्तु है, ठीक है, अनेक कण या अणु से मिलकर क्या हुआ है, यह वस्तु बना है, समझ में आ रहे ना, उसी तरह नदी, ठीक है, तो एकाएक वह नदी निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है, वो तो पानी की एक एक बूंद मिलकर क्या हुआ है, एक दरिया बना है, दरिया मतलब नदी, ठीक है। तो उस तरह और उन्होंने कहते हैं कि छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सेहरे का निर्माण होता है, छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है, उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। देखो बच्चों उसमें और उन्होंने अलग अलग उदाहरण भी दिए हैं। पहला क्या कहते हैं उन्होंने, एक एक बूंद
पानी की एक एक बूंद कर मिलकर, एक एक बूंद कर बूंद मिलकर क्या हुआ है, इधर एक नदी, नदी का निर्माण हुआ है। उसी तरह एक से एक मिल तो जर्रा बन सकता है सेहरा मुकुट। जर्रा मतलब कण अणु, ठीक है, छोटा सा एक चीज वस्तु। तो ऐसे अनेक छोटे छोटे चीज मिलकर क्या हुए हैं, एक मुकुट बना है, बड़ा चीज या बड़ा एक वस्तु बना है। तो वस्तु का निर्माण हुआ है, इसलिए हम जीवन में तो कोई भी चीज हो उसे हम बेकार नहीं समझना चाहिए, व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज हो, ठीक है, उसे हम व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। तो समय के अनुसार, ठीक है, कोई भी चीज हमें क्या हो सकता है, उपयोग हो सकता है। इसलिए हम जीवन में कोई भी चीज हो, ठीक है, उसे हम बेकार नहीं समझना चाहिए बच्चों। और उन्होंने कहते हैं एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, वही राई, ठीक है, छोटे छोटे कण मिलकर क्या हुए हैं उधर, एक बड़ा पर्वत बन सकता है। पर्वत मतलब पर्वत कहते हैं उन्होंने, क्या कहते हैं, देखो छोटे छोटे अंश को मिलाकर सेहरे का निर्माण होता है, छोटे राई दानों से पर्वत बन जाता है राई, ठीक है। तो छोटे छोटे वे राई इसका अर्थ सरसों, सासवे काल होता है तुमने। तो ऐसे अनेक छोटे छोटे कण मिलकर क्या होते हैं, एक बड़ा वस्तु बनता है। तो इसलिए हम जीवन में कोई भी चीज हो उसे हम बेकार नहीं समझना चाहिए, व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। इसलिए उन्होंने हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में तो समय के अनुसार हर एक एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, ठीक है। राई मतलब छोटी सरसों, एक छोटी चीज, हाँ। तो वह ऐसे अनेक छोटे छोटे चीज मिलकर क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा चीज बना है। ये भी आपको उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसमें अनेक छोटे छोटे कण मिले हैं, ऐसे कण के मिलने से क्या हुआ, एक यह वस्तु बना है। इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, छोटे छोटे वस्तु बना मिलकर, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, पर्वत मतलब पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना। देखो तो उसी तरह जिस तरह उन्होंने इधर अनेक उदाहरण लेकर उन्होंने समझाने के लिए कोशिश किए हैं, तो अंत में उन्होंने एक हमें उदाहरण भी देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं, जिस तरह एक से एक मिले तो उससे हमें क्या फायदा होता है, अकेला काम करने के अलावा लोग मिलकर काम किए तो जिस तरह हम उसमें सफलता पाते हैं, तो उसे हमें समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं इधर। अंत में उन्होंने कहते हैं तो वस्तुओं की तरह मनुष्य भी, इंसान मतलब इंसान आदमी, एक से एक मिले तो आदमी बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना। मनुष्य एक को एक मदद करते हुए, ठीक है, एक से एक मिलकर काम किए तो अपना किस्मत भी अपना किस्मत भी उन्होंने बदल सकता है। हाँ, किस्मत मतलब भाग्य कहते हैं उन्होंने। देखो इधर, अगर उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक से एक एक दूसरे से मिलकर काम करने तो किस्मत को भी पलट कर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद करते हुए काम किए तो, ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए कोशिश किए तो उस समय क्या होता है, वह मनुष्य अपना भाग्य भी बदल सकता है, हाँ, भाग्य भी बदल सकता है, या उसे बदल कर सुनहर का एक रूप दिया जा सकता, समझ में आया ना। तो उसे एक अच्छी तरह से जीवन चलाने का एक रूप, हमारा जीवन हम बदल सकते हैं, किस्मत भी पलट कर उसे सुनहर का रूप दिया जा सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। यह सब उदाहरण देखकर हम क्या करना है, समझ लेना है कि जीवन में मिलजुल कर रहने का बहुत महत्व है। मिलजुल कर रहने का हो या मिलजुल कर काम करने का हो, इस तरह हम यह उदाहरण देखकर जीवन के बारे में
समझकर हम काम किए तो क्या हो सकता है, हम हमारे जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, जीवन में बहुत मदद हो सकता है। देख लीजिए बच्चे, आप साथी हाथ बढ़ाना इस पद में जिस तरह एक से एक मिलकर काम किए तो, या जीवन में एक दूसरे से मदद किए तो क्या होता है, यह हमारा देश आगे की पथ पर हम ले जा सकते हैं। तो देश को आगे ले जाने के लिए हो या उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए, देश के एक एक या एक ही व्यक्ति परिश्रम करने लगा तो, उन्होंने कोशिश करने लगा तो वह नहीं हो सकता है, उन्होंने थक जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, हम सब उसे हाथ मिलाना, एक से एक हाथ मिलाकर हम सभी सब मिलकर कोशिश किए तो उधर क्या हो सकता है, देश की प्रगति या एक देश की निर्माण हो सकता है। उसके लिए कवि इधर बहुत सारे उदाहरण भी हमें दिए हैं, जिस तरह वह उदाहरण हमारे जीवन में लागू हो जाता है, हमें ही लेकर उन्होंने क्या किए हैं, वह उदाहरण हमें समझाने के लिए कोशिश किए हैं। मतलब इस तरह का एक हालत अब समाज में चल रहा है, तो कोई एक व्यक्ति कोई काम करने लगे तो हम क्या करते हैं, उन्होंने कर रहा है करने दो, इस तरह अनेक भाव हमारे मन में है। यह सब देखकर कभी क्या किए हैं, ऐसे अनेक उदाहरण लेकर, तो ऐसे एक गुण हमारे मन से हम दूर करने के लिए उन्होंने हमें आदेश दे रहे हैं, फिर इस उदाहरण के साथ हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यह सब हम समझकर क्या करना है, हमारे जीवन का क्या ये रास्ता है उसे हम बदलने के लिए कोशिश करना है। कवि के अनुसार हम काम किए तो हमारा भाग्य भी क्या होता है, बदल सकता है। यहाँ तक बच्चों, यह पूरा पद्य समाप्त हुआ है, हा? तो आगे पद्य के पीछे क्या है, और अभ्यास भाग में प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर हम क्या करेंगे, अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। यहाँ तक पूरा यह पद्य समाप्त हुआ है बच्चों, पद्य का नए शब्द हो, ठीक है, भावार्थ लिखने का हो, ठीक है, यह सब आप लिख लिए हैं, मैं आपको लिखवाया हूँ, तो भावार्थ के साथ साथ पद्य का सरल हिंदी रूप में विवरण भी आपको मैं समझाया हूँ, ठीक है, वह भावार्थ आप सुनकर और इधर लिखा हुआ भावार्थ देखकर आप क्या करना है, अच्छी तरह से आपकी किताब में लिख लेना है, तो बाद में वह पढ़ने के लिए आपको उपयोग हो जाता है। तो आगे का क्या विषय है, अगले कक्षा में हम चर्चा करेंगे बच्चों, धन्यवाद।